फ्रेंड्स, यूट्यूब पर इस टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर। आपको भी पता है कि जैसे किसी का चैनल ग्रो होता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के नहा धो के, और उनको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उनका वीडियो, उनका चैनल डिलीट हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते, अपने चैनल को बचा भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगी या ऐसे सर से मिलाऊंगी जो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव करवाने के बादशाह हैं। शायद आप लोग समझ चुके होंगे, मैं बात कर रही हूँ संदीप भुल्लर सर की, जिनका चैनल यूट्यूब पे एक चैनल है, 1,00,000+ सब्सक्राइबर हैं। उन्हीं के साथ ये वीडियो आज होने वाली है, एक इंटरव्यू वीडियो होने वाली है, और सर से मैं पूछूंगी कि आखिर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे देते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आपके साथ ये सीन हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपका चैनल ग्रो होगा तो आपके साथ भी ये सीन हो सकती है ना। तो सबसे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर प्लीज़ आप मेरी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप अपने बारे में बता दीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो थैंक्स करूँगा मैं मैडम का करूँगा, क्योंकि मैडम ने जितना मेरे को बड़ा बना दिया, इतना बड़ा मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन स्पेशली थैंक्स है मैम, आपने अपने चैनल पे आने का मुझे मौका दिया। और मेरा नाम संदीप सिंह है, और आप सभी को पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है संदीप पुलर, और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया हुआ है, ऊपर से मैं यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स भी देता हूँ तो आप सभी के लिए। तो मैडम, आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा बना दिया, इसके लिए बहुत मतलब बहुत आपका दिल बहुत बड़ा है कि आपने मेरे को YouTube पर अपने चैनल पे आने का मौका दिया। फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा जो ऑनलाइन कर रहा हूँ मैं आपके। कोई नहीं सर, फ्रेंड्स आपने देखा कि सर बहुत ज़्यादा नर्वस हैं क्योंकि ये फर्स्ट इंटरव्यू है, लेकिन कोई नहीं, सर वाकई बहुत बड़े हैं, जितना इनका स्थान होना चाहिए अभी वो है नहीं, लेकिन सच में सर का जो नॉलेज है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब हम लोग उनके आगे बहुत ही छोटे हैं या बहुत छोटा है। और सर ने अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया, वो आप लोगों ने देख लिया। सर मेरा पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लाइव स्ट्रीम में या इस कोलाब्रेशन का, वो है स्ट्राइक को लेकर। आज के टाइम में जो भी चैनल ग्रो हो रहा है थोड़ा बहुत भी, तो लोग क्या कर रहे हैं उसको फटाक से स्ट्राइक मार दे रहे हैं, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देके उनके चैनल को डेड कर दे रहे हैं या चैनल ही डिलीट करवा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस टाइम चल रही है सर, वो कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर, हम लोग इससे कैसे बचें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि हम इससे कैसे बचें, और आप तक सर शायद पहुंचना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी तो लोग आपको जानना सर स्टार्ट किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ऐसे में चैनल तो उनके गायब हो जाते हैं और उनकी सालों की मेहनत सेकंडों में पानी हो जाती है। तो सर उस पर बचने का कोई तरीका बताइए, और सर इससे हम कैसे बच सकते हैं ये भी सर बताइए हमारी ऑडियंस को। मैम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कॉपीराइट स्ट्राइक ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, खास करके जो कोई भी ग्रो करता है, व्लॉगर्स होता है या कोई भी चैनल कैटेगरी लगा लो ग्रो करना स्टार्ट करता है ना, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती कि कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बचा जाए। कुछ लोग मेरे पास आते भी हैं, उन पे ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक भी होती हैं, और कुछ होते हैं जो फेक होती हैं, लेकिन फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से बचा जा सकता है। ओरिजिनल से तो कोई चांस ही नहीं है बचने के, लेकिन फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से बचा जा सकता है। इस टॉपिक पे मैंने टेक चैंपियन स्पोर्ट के साथ भी वीडियो बनाई थी, और मनोज ने भी वीडियो बनाई थी मेरे साथ, तो आपको भी यही गाइड करूंगा कि अगर आप फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना चाहते हो तो आपको MOV फाइल ही अपलोड करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, वैसे तो आती नहीं है, CMS जिनके पास होता है ना वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं आपको MOV फाइल पे भी, और उनकी कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव किया जा सकता है चुटकियों में। वो कैसे, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपकी सारी कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव करवा सकता हूँ जो CMS के थ्रू आएंगी, क्योंकि मेरे लिंक बहुत ज़्यादा हैं CMS में, और काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, और मेरी एक कॉल पर ही कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव हो जाती है। तो आपको अगर बचना चाहते हो आप फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से, तो आपको MOV फाइल या 4K फाइल में ही अपलोड करनी चाहिए। फ्रेंड्स आपको पता चल गया, सर ने बता दिया कि किस फाइल में आपको वीडियो अपलोड करनी है, और उसके बावजूद भी अगर आपको नॉलेज नहीं है, जैसी भी वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, कोई नहीं, मैं सर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, लेकिन सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही आप सर को कॉल कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पर शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से बचा सकता है, तो वो सर ही है। बाकी यूट्यूब पे सिर्फ सब लोग झोल झाल करने वाले हैं और बेवकूफ़ बनाने वाले, एक सर ही ऐसे हैं जो आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से बचा सकते हैं और आपका चैनल सेव करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो कि बबलू बन्ना चैनल जो डिलीट होने वाला था, उनकी कई वीडियो डिलीट भी हो चुकी थी, और कई मतलब वीडियो डिलीट होने वाली थी चैनल भी, लेकिन सर ने 24 घंटे के अंदर उनकी वीडियो भी रिमूव करवाई, वापस ले आए, उनका चैनल भी सेव करवा दिया। तो आपको सर का चैनल का मतलब सर का नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चाहते हो कि अगर आपके चैनल पे ऐसी कोई दिक्कत इन फ्यूचर आए
तो सर से कॉन्टैक्ट बना के रखिए, क्योंकि समझ लीजिए यूट्यूब के सर भगवान है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जैसे यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए अक्सर हमने देखा कि नए नए कॉन्टेंट लोग ट्राई करते हैं, नई नई चीज़ों को अप्लाई करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है यूट्यूब बूस्ट नहीं करता, बहुत सारा गंदा गंदा ऐसा पिक्चर्स होता है या गंदे गंदे ऐसे वीडियोज होते हैं जो बूस्ट मार देता है, लेकिन हम लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं, फिर भी ग्रो नहीं होता। इसी तरीके सर मैं आपका भी चैनल देख रही हूँ कि जिस मुकाम पे होना चाहिए, जहाँ होना चाहिए वो लेवल नहीं हो रहा है, तो क्या सर ये हम लोग के कॉन्टेंट में कमी है या यूट्यूब के एल्गोरिथम में कमी है, सर इस पर आपकी क्या राय है? मैम आपने मेरे चैनल पर एक सवाल किया है, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब की गलती नहीं है, मेरी खुद की गलती है, क्योंकि मैं YouTube पर एक्टिव नहीं था। आप देखोगे अगर मैं 12 महीने से मतलब कभी 3 दिन छोड़ के या कभी काफ़ी लेट वीडियो बनाता था और टाइम पास की वीडियो बनाता था, लेकिन 1 महीने से पिछले 1 जुलाई से मैं रेगुलर हुआ हूँ, तो आप जाके देख लीजिएगा मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और मेरा कॉन्टेंट भी किस लेवल का आ रहा है। तो हमारी गलती होती है कि यूट्यूब बूस्ट नहीं करता, यूट्यूब तो बूस्ट करना चाहता है आप सभी को, लेकिन काफ़ी लोग पता क्या करते हैं मैम, आपने भी देखा होगा कि कोई भी कैटेगरी देखते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे, कोई भी अलग कैटेगरी का होता है उस पर भी वीडियो बना देते हैं, जिससे कि उनके पास कुछ और ही ऑडियंस आ जाती है और उसके बाद एक वीडियो तो उनकी चल जाती है, फिर उनकी वीडियो नहीं चलती। इससे क्या होता है कि आपका एल्गोरिथम में अच्छे से जाता ही नहीं है यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब तो आपको बूस्ट करना चाहता है लेकिन आप ही गलतियां कर रहे हो। आप ये गलतियां नहीं करोगे तो आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। आज ही मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं इसी टॉपिक पे, आप कौन कौन सी गलतियां करते हो जो आपके वीडियो वायरल नहीं होती है। फ्रेंड्स आपने देखा सर ने बता दिया कि ये यूट्यूब की गलती नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ फिर भी यूट्यूब मेरा बूस्ट नहीं दे रहा चैनल को, तो सर वो एक्चुअली में क्लियर भी कर रहे हैं और सर के चैनल पर एक वीडियो आ जाएगी तो आप लोग उसको जाके देखिएगा, उसमें सर सारे पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप गलती कर रहे हो, यूट्यूब कोई गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि आप क्या करते हो ट्रेंडिंग टॉपिक से उठाकर वीडियो अपलोड करते हो, तो ऐसे में वो ट्रेंडिंग टॉपिक खत्म तो आपका एल्गोरिथम भी खत्म, सारा बूस्ट भी खत्म, क्योंकि आपको वीडियो जो बनानी है अपने चैनल्स पे ऐसा वीडियो बनाना है कि जो लाइफ टाइम तक चले, ऐसा नहीं है कि अभी ट्रेंडिंग है अभी वीडियो चल रही बाद में आपका चैनल डेड हो जाएगा। तो इस चीज़ को सीखने के लिए आप सर के चैनल पर जाइएगा आज जो वीडियो आ रही है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू क्रिएटर्स को कुछ सर ऐसा टिप्स दीजिए जिससे वो अपने चैनल को ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके। जैसे सर आपने बताया कि हम अभी इससे पहले अपने चैनल पे कंटिन्यू नहीं थे, लेकिन 1 महीने से कंटिन्यू है और उसका रिजल्ट सबको दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है सर, आपको भी दिख रहा है, तो इसी तरीके से सर हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं वो भी अपने चैनल को कैसे ग्रो करें। सर मैम जो 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, पहले तो उन्हें अपने चैनल को चेक करना चाहिए कि उनके चैनल पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि देखो यूट्यूब कभी भी गलती नहीं करता, यूट्यूब मशीन है, मशीन कभी गलती कर ही नहीं सकती। गलती हमारे में होती है कि हम किस कैटेगरी का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे में मतलब हम थंबनेल अच्छा बना रहे हैं या नहीं बना रहे, हम टैगिंग अच्छी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब SEO कोडिंग के बारे में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है अच्छे से SEO होता क्या है, SEO का S नहीं पता लेकिन वीडियो बना देते हैं। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि एल्गोरिथम चेंज होता रहता है, तो भाई अभी तक 4 साल हो गए हैं, मैंने एक ही बात सुनी है कि अगर आपकी पूरी वीडियो को देखा जाएगा तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। तो यूट्यूब ने ये एल्गोरिथम ने ये पॉइंट तो चेंज नहीं किया, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज कहाँ पे होता है? पॉइंट समझ रहे हो मैम? आपको अपने कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए अगर आप एक वीडियो डालते हो, अब बबलू बन्ना ने एक वीडियो डाल दी, उसकी वायरल होगी लग से, लेकिन उसने 15 चैनल पहले भी बनाए थे, वो लोगों ने नहीं देखे और इस पर थोड़ी सी एड के साथ उसने बूस्ट किया, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसमें सारी ट्रिक्स मैंने बताई हैं। ठीक है, प्लेसमेंट ऐड होती है, प्लेसमेंट ऐड से क्या होता है कि हम सौरभ जोशी के ऐड के पीछे अपने वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में एक बार आपको टाइम की इन्वेस्टमेंट तो देनी पड़ेगी, अगर आप टाइम की इन्वेस्टमेंट नहीं दोगे तो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। ठीक है, आपके स्टार्टिंग में 10 या 15 व्यूज आएंगे, धीरे धीरे वो बढ़ने भी स्टार्ट होंगे अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, थंबनेल अच्छे होंगे। आप सभी ने देखा होगा मैडम के अब जो थंबनेल आ रहा है नेक्स्ट लेवल का आ रहा है, तो भाई सभी क्लिक करेंगे ना, जो पिछले थंबनेल से आपकी जो स्टार्टिंग की वीडियो है मैडम आप एक बार चेक करिए आपका थंबनेल कैसा है, तो उसे आप क्लिक करोगे या फिर अब जो लेटेस्ट है उसे क्लिक करोगे, आप खुद ही बताइए। सर ने आपको क्लियर कर दिया कि आप अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए, आप 2-3 साल काम कर रहे हो फिर आपका चैनल बूस्ट क्यों नहीं मार रहा, वो आप चेक कीजिए खुद से। आप लोगों के लाइव स्ट्रीम में जाके भीड़ मत लगाइए, वहाँ बार बार मैसेज मत कीजिए
कि मेरा चैनल चेक कर लो, क्योंकि कोई भी क्रिएटर आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देता है लाइव स्ट्रीम में, और 30 सेकंड में इतना बड़ा चैनल कोई चेक करके बता भी नहीं सकता। तो आप खुद से चैनल चेक करो कि एक्चुअली मैं अपने चैनल पर क्या गलती कर रहा हूँ, या मुझसे क्या गलती हो रही, मेरा थंबनेल कैसा है, मेरा कॉन्टेंट कैसा है। आपको यूट्यूब खुद ही बता देता है आपके वाइट स्टूडियो में 3 घंटे के बाद कि आपकी वीडियो कितना देर देखी जाती है, आपके थंबनेल पे कितना क्लिक होता है, एवरेज व्यूज़ आपका कितना है। उसी से आप आइडिया लगाकर अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, जो कि सर ने वही बताया वो चीज़, और वही मैं भी बता रही हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। सर बहुत सारा क्वेश्चन होता है लोगों को कि सबसे पहले क्रिएटर्स की अर्निंग मतलब बताइए, क्योंकि इससे मोटिवेशन होता है। तो सर अगर आपको पॉसिबल हो अपनी अर्निंग शो करने का, वैसे सर मेरा फोर्स नहीं है, सिर्फ मैं मोटिवेशन तौर पे एक क्वेश्चन कर रही हूँ सर, तो अगर पॉसिबल हो तो सर बता सकते हैं कि आप मतलब यूट्यूब से कितनी अर्निंग करते हैं, या यूट्यूब के अलावा भी और भी सोर्सेज है तो आप मतलब साल में सालीना या मंथली कितनी अर्निंग कर लेते हैं। मैं ये चीज़ तो खुलकर बताना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब देखो मेरे बाप की नहीं है, किसी के बाप की नहीं है, यहाँ पे बहुत पैसा है, ये समुंदर है पैसे का, आपको भी निकालना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस चैनल पे मेरा ज़्यादा नहीं $150 बन जाता है आराम से, ये पिछले महीने ही बना है। तो जो आगे के अर्निंग है, जो मेरी CMS से अर्निंग है, वो तो मैडम आप मान के चलिए $12,000 या फिर $15,000 मेरे को आराम से मिल जाते हैं। तो मेरी वो अर्निंग अगर आप देखोगे तो 10 लाख के आसपास पहुँच ही जाती है। हाल ही में मैंने अपना फार्म हाउस परचेज किया है, तो आपको मैं फोटो भेजूंगा, वो भी आप ऐड कर दीजिएगा। जी सर जी। फ्रेंड्स आपने देखा मतलब यूट्यूब का जो चैनल है जिस पे सर का इंटरव्यू हो रहा है, इस पे तो अभी स्टार्ट हुई है अर्निंग, क्योंकि सर ने अभी 1 मंथ से ही काम करना स्टार्ट किया है। तो 1 मंथ में $150 बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ लोग 2-2 साल काम करते हैं, $150 नहीं कमा पाते, और सर $150 मतलब $150 कम्प्लीट किया, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन यूट्यूब के अलावा सर की और कंपनी है, वहाँ से वो $10,000-12,000 मतलब इजिली मंथली वो महीने का 8 से 10 लाख-12 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पैसे का पेड़ है, जितना आपके अंदर काबिलता है उस हिसाब से आप तोड़ लीजिए, जितना आप तोड़ सकते हैं, वो आपके काम के ऊपर है, आपके मेहनत के ऊपर है ना सर। जितना मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा, उतना आपको फेम पहचान पैसा मिलेगी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आके कैसा लगा, क्योंकि सर कभी कभी होता है ऑडियंस को लगता है कि हम जबरदस्ती बड़े क्रिएटर्स को अपने चैनल पे इंटरव्यू दिलवाते हैं, तो सर इस पे भी हमारी ऑडियंस को कुछ बता दीजिए सर। मैंने खुद आपके पास अप्रोच की है, क्योंकि ये चैनल मेरी बहन का चैनल है, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, और ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको आज से फॉलो नहीं कर रहा, मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो किया है, क्योंकि एक लेडीज यूट्यूब चैनल ऑपरेट करे ये सबसे बड़ी बात है, मतलब कि एक क्रिएटर्स के बराबरी का हिस्सा है ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ, मैं अपनी बड़ी बहन के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स आपने देखा मैंने सर के साथ कोई ऐसा नहीं है कि एज ए फोर्स जबरदस्ती किया, नहीं आप लोग ये कहोगे कि जो चैनल ग्रो होता है हम लोग जबरदस्ती, ऐसा नहीं। बस इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और नॉलेजबल लगा होगा। पसंद आया हो तो पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी tech_23 है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।